अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने, एज एन इंडियन पहली बार मुझे डर लगने लगा। देखिए, मैं सुलझे हुए लोग बैक टू होम, जो मेरे देशवासी है, जो मेरे इंडियन है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां पे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका हाथ खड़ा कर दे, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सब लोग हाथ खड़े कर दे। और हमें बताया जा रहा था कि 70,000 अफगानी जो कि तालिबान के हैं, वो 4.5 लाख अमेरिका से ट्रेन्ड आर्मी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं और 4 दिन में सब कुछ खत्म। अब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। प्लीज, जो चूतिया लोग हैं, जो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, मेरे वीडियो में आएंगे, कमेंट करेंगे, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। बात सुलझे हुए पढ़े लिखे लोगों से होनी चाहिए। देखिए, ऐसा ना हो कि हमारे भी वैसे हालात बने, क्योंकि डर लगने लगा है। जिस तरह का अभी वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं एयरपोर्ट से अफगानिस्तान के, सीरियसली मेरे दिल के अंदर एक डर सा पैदा हुआ। ये बहुत शाना है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतना शाना है भाइयों, इनको इसको 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 आप इसको कोई समझ नहीं सकता है। ये बहुत शाना है और डर इसलिए है क्योंकि देखिए, बांग्लादेश हमारे साथ है नहीं, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं नहीं, पाकिस्तान के साथ हमारा कभी बना ही नहीं, चाइना ने अभी हमारे 20 जवानों का कत्ल किया, ईरान के साथ उतने करीबी ताल्लुकात है ही नहीं। समझने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि हमारे इस तरह के हालात बने जो अभी अफगानिस्तान में। मैं वार्न करना चाहता हूं, एज अ देशभक्त मुझे अपनी धरती से बहुत प्यार है। क्या कर सकता है एक आम आदमी, क्या कर सकता है, खाली बात बोल सकता है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के हालात है, और मैं आपको फिर वार्न करता हूं कि ये आदमी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ये बहुत शाना है, ये इतना शाना है, ये कौन सी गेम कब खेलेगा हमें पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही शाना है, बैक टू यू, आपको समझना पड़ेगा। ये गौमूत्र लोग हमें डुबो न दे, हमें सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग विद विजडम के साथ